उत्तर प्रदेश जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज के ग्राम छतरी के पास NH2 हाईवे पर फिल्टर के सामने सुबह एक फटाके बनाने वाली दुकान में सुबह लगभग 8:30 बजे एक जबरदस्त विस्फोट हो गया, जिसमें रियाज उर्फ पिंकू जो लगभग 35 वर्ष का थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद की ये घटना है, उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि रोज की तरह रियाज उर्फ पिंकू सुबह सुबह अपनी दुकान खोलने के लिए दुकान पर आया था। जैसे ही उसने अपनी दुकान का ताला खोला उसने अपनी दुकान का जैसे ही ताला खोला था कि अचानक विस्फोट हो गया, जिससे कि उसकी वहीं मौत हो गई। इधर घटना के विस्फोट की जानकारी आला अधिकारियों को मालूम हुई तो जिले के DM नेहा शर्मा व SSP डॉक्टर मनोज कुमार भी मौके पर पहुंच गए थे। उधर शिकोहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा भी मौके पर पहुंच गए। विधायक ने मौके पर पहुंच के मृतक के पिता को ढांढसा बंधाया, मृतक के पिता को दिलासा दिया। इधर जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने भी मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया और पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मृतक के परिवार को जो मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद होगी वो हर संभव मदद दी जाएगी। गांव में किस तरह का मामला है, किस तरह की गांव की हमें 7:30 8 बजे और 9 के बीच में एक सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे धात्री गाँव में एक विस्फोट हुआ है। हम लोगों ने उसका पता किया अपने दल और दिल और पार्टी की तरफ से, और इन्होंने लाइसेंस बाकायदा ले रखा है। और अब चूंकि और ये बाहर जिस तरह से उसके नॉर्म्स रहते हैं कि एकदम बाहर हो बस्ती के, तो ये देख रहे हो खेतों में बना रखा है, लेकिन अब इसमें रिस्क तो रहता है, ये तो बनाने वालों के लिए रिस्क तो रहता है। फिरोजाबाद से हमारे रिपोर्टर रिहान खान की रिपोर्ट।